तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वाला वीडियो पे मैं पार्ट टू लेकर आ गया हूँ, जिसमें आप लोगों को शेडिंग करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। तो शेडिंग करने के लिए मैं जो पेंसिल का यूज़ करूंगा वो आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। उसका पहले यहाँ पे देख पा रहा हूँ ब्रश, जो कि मेकअप ब्रश है, उसको मैं यूज़ करूंगा ये वाला ड्रॉइंग पे। और शेडिंग करने के लिए जो मैं पेंसिल का यूज़ करूंगा वो है बूस्टर कंपनी का ये वाला पेंसिल, जो कि 12 सेट में है गाइस। आप लोग देख पा रहे हो बूस्टर कंपनी का फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल है, तो 12 सेट में ये आप लोगों को ऑनलाइन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये वाला पेंसिल का ही यूज़ करते हुए मूनलाइट ए वाला ड्राइंग को मैं शेडिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो चलिए शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा ग्रेड का जो लाइन है उसको मिटा दे रहा हूँ इरेजर से। तो यहाँ पे मैं जो पहला लेयर दूंगा ग्राइस, मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो शेडिंग दे रहा हूँ वो है 2B पेंसिल का यूज़ करते हुए। आप लोगों के पास अगर 2B पेंसिल नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जो HB पेंसिल होता है, HB पेंसिल का यूज़ करते हुए पहले लेयर दे सकते हो। पहले लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों को ऑब्जर्व करके देना पड़ता है पहला लेयर कहाँ पर डार्क है और कहाँ पर लाइट है। तो वो आप लोग अगर अच्छे तरह से आप लोग दे देते हो तो आपका नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप का जो शेडिंग होगा वो आप लोगों को देने में बहुत ही इजी होगा फ्रेंड्स। तो पहला लेयर पे आप लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे लाइट है रेफरेंस को देख के और कहाँ पे डार्क है। तो वो आप लोग अगर अच्छे तरह से पहले लेयर में दे देते हो तो दूसरी लेयर करने में बहुत ईजी होता है। दूसरी लेयर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर लाइट है उसको जगा के छोड़ के जहाँ पर डार्क है वहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है। और इसलिए मैं रेफरेंस को अच्छे तरह से देख के पहले लेयर को HB पेंसिल का या 2B पेंसिल आप लोग बोल सकते हो, मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉर्मेट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जब भी पहले लेयर कंप्लीट हो जाए तो बाद में क्या करना कि मेकअप ब्रश जो आप लोगों को मैं दिखाया हूँ, कोई भी मेकअप ब्रश का यूज़ करते हुए पहले लेयर को थोड़ा सा हल्का करके ब्लेंड कर लेना, उसके बाद सेकेंड लेयर को स्टार्ट करना फ्रेंड्स। और शेडिंग करते वक्त आप लोग अगर जितना स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करोगे तो उतना ही आप लोगों का ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगा। तो पेशेंस रख के आप लोग स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि पहले लेयर जो मैं किया था 2B पेंसिल का यूज़ करते हुए, और सेकेंड लेयर किया था 4B पेंसिल का यूज़ करते हुए, और अभी जो डार्कनेस आप लोग देख पा रहे हो ये मेरा 8B पेंसिल का कारनामा है। तो 8B पेंसिल का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस दे दिया हूँ। और बाद में जब हम लोग डिटेलिंग करेंगे तो उसी टाइम आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि 10B पेंसिल का यूज़ करते हुए आप लोग किस तरह से ज़्यादा जहाँ पे डार्क है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो फिर जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर 4B पेंसिल नहीं रहेगा तो 6B पेंसिल का यूज़ करते हुए पहले लेयर दे सकते हो गाइस। और यहाँ पे मैं पहले लेयर देके उसके बाद में फिर से मेकअप ब्रश का यूज़ करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का करके, और फिर से मैं यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स सेकेंड लेयर देने को लिए। तो आपके पास अगर 8B पेंसिल नहीं है तो 6B पेंसिल दोबारा से यूज़ कर सकते हो, और 6B पेंसिल जब यूज़ हो जाएगा तो फिर से आप लोग 10B पेंसिल का यूज़ करना फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर 10B पेंसिल का ही यूज़ करते हुए डार्क पूरा दे दिया हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग HB पेंसिल का अल्टरनेट अगर ढूंढना चाहते हो, आपके पास अगर मैकेनिकल पेंसिल है वो भी आप लोग लाइट शेडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते। Thank you.
तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा यहाँ पे फेस पूरा शेडिंग में कर दिया हूँ, और यहाँ पे जो बाकी रह गया है ये वाला पोर्शन जो कि हैंड का है, और ये चाँद वाला मून का जो स्ट्रक्चर है ये वाला बाकी रह गया है, और बॉडी का पार्ट बाकी रह गया है फ्रेंड्स। तो इसको मैं बाद में एक पार्ट और लेकर आऊँगा जो कि थर्ड पार्ट होगा। और जैसे कि आप लोग देखे हो मेरा फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं आउटलाइन किस तरह से आप लोग ग्रेट मेथड का यूज़ करते हुए कर पाओगे, तो उसी टॉपिक में मेरा पहले वीडियो था। और ये जो फेस का जो शेडिंग में किया हूँ उसका पार्ट टू है ये वाला वीडियो, और पार्ट थ्री में आप लोगों को पूरा ही ड्राइंग पूरा शेडिंग करके दिखाऊंगा। और मैं सोचा हूँ कि जो मून है और यहाँ पे भी जो मून है तो उसको मैं कलर करूँगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट पार्ट गाइस। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो भी देखना अगर चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि मैं ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो ही छोड़ता रहता हूँ मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और ये वाला ड्राइंग मुझे करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो शार्पनेस आ रहा है ड्राइंग पे तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और ये वाला वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ ये वाला वीडियो को ज़रा शेयर कर देना फ्रेंड्स। तो शेयर एंड लाइक एंड कमेंट ये तो मैं डिजर्व करता हूँ आप लोगों के तरफ से। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।